संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब में उतराती मिली युवक की लाश। सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के डड़वा गांव निवासी भुलेश्वर पुत्र राम सांवरे 26 वर्ष 30 सितंबर की रात खाना खाकर अपने घर सोया था, किंतु सुबह जब परिजनों ने उसके बिस्तर पर जाकर देखा तो वह गायब था। परिजनों ने काफी खोजबीन की किंतु उसका कहीं पता नहीं चल सका, तो भुलेश्वर के पिता राम सांवरे ने इसकी लिखित सूचना जयसिंहपुर कोतवाली को दी। रविवार की शाम करीब 4 बजे के लगभग डड़वा गाँव के दक्षिण स्थित तेनुभैया तालाब के किनारे खेल रहे गांव के बच्चों द्वारा देखा गया कि तालाब के बीच में कोई उतरा रहा है और दुर्गंध भी आ रही है, तो बच्चों की आवाज को सुनकर आसपास के लोगों ने भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। ग्रामीणों की सूचना पर क्षेत्राधिकारी जयसिंहपुर दलवीर सिंह कोतवाल जयसिंहपुर बेचू सिंह यादव सेमरी बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज उमापान शुक्ला ने हमरेहियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को तालाब से निकलवा कर उसे कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक युवक का पिता जयसिंहपुर कोतवाली में चौकीदार के पद पर नियुक्त है। शव मिलने की सूचना पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक भुलेश्वर अपने 4 भाइयों में सबसे छोटा भाई था। मृतक के एक भाई की मौत से जहां परिवार अभी दुखी था, वहीं भुलेश्वर की मौत से परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ फट गया। मृतक का तीसरे नंबर का भाई पारसनाथ की मौत विगत कुछ माह पहले सड़क दुर्घटना में हो गई थी। मृतक की माता परतावी और पिता राम सवारे का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक युवक की कुछ माह बाद शादी होने वाली थी।